द्वितीय विश्व युद्ध पूर्वोत्तर भारत को वार थिएटर में तब्दील कर देता है। नौगांव जमुना वैली जो दिमासा बहुल क्षेत्र है वार जोन में बदल जाता है। इस क्षेत्र में एलाइड आर्मी का कैंप स्थापित किया गया था। जमुना वैली में रह रहे दिमासा जाति युद्ध के गतिविधियों को उनके सामने देखते हैं। ब्रिटिश सरकार दिमासा जाति के बीच से लेबर फोर्स खड़ा करना चाहती थी, पर जॉय भद्रा हगजार या जेबी हगजार जो दिमासा जाति से पहले ग्रेजुएट थे लेबर फोर्स में दिमासा युवकों की नियुक्ति पर प्रोटेस्ट करते हैं। ब्रिटिश सरकार जेबी हगजार को अरेस्ट करती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद के कार्यकाल में कई प्रमुख दिमासा व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर कार्य करते हैं। सोनाराम थाउसेन मोपा रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल स्थापित करते हैं। पहला दिमासा न्यूज़पेपर गता खुरांग प्रकाशित करते हैं। इसके साथ साथ सोनाराम थाउसेन शिव पार्वती गणेश की कहानियों को एकत्रित करते हैं। देसंदाय हो जाए मायबोंग में मिडिल इंग्लिश स्कूल स्थापित करने में योगदान करते हैं। नॉर्थ कचार हिल्स ट्राइबल काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी के पद में देसंदाव हो जाए गोपीनाथ बरदोले कमेटी के समक्ष काउंसिल के डिमांड को लेकर पेश होते हैं। ये पहला उदाहरण है जिसमें दिमासा जाति सामूहिक तौर पर सरकार के सामने अपनी मांगों को रखती है। 1947 के बाद पूर्वोत्तर भारत में कई फेरबदल किए जाते हैं। नॉर्थ कचार हिल्स सब डिवीजन जो पहले कचार जिले से जुड़ा हुआ था 17 नवंबर 1951 में कचार जिले से अलग कर यूनाइटेड मिकिर एंड नॉर्थ कचार हिल्स जिला गठित कर दिया जाता है। संविधान के 6 शेड्यूल के अनुसार नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ साथ मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाता है। 1947 तक जहां हिल्स में रहती जातियां अलग अलग मांगे कर रही थी वहीं 1947 के बाद भी 6th शेड्यूल का प्रावधान जातियों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। समय समय पर आसाम के हिल्स को लेकर अलग राज्य की मांग भी रखी जा रही थी। 16 जून 1954 शिलोंग में गारो हिल्स लुसा हिल्स खासी और जयंतिया हिल्स और नॉर्थ कचार हिल्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जमा होते हैं। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि एक अलग हिल स्टेट बनाया जाए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के पास भी अलग हिल स्टेट का डिमांड रखा जाता है। नॉर्थ कचार हिल्स के नेताओं का अलग अलग राय था। सी एच कोतलांग चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6th शेड्यूल के अमेंडमेंट के पक्ष में थे, वहीं जेबी हगजार अलग हिल स्टेट के पक्ष में होते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अलग हिल स्टेट की डिमांड को रिजेक्ट कर देती है। कमीशन ये पाती है कि अलग हिल स्टेट की डिमांड गारो खासी और जयंतिया हिल से है, पर यूनाइटेड मिकिर एंड नॉर्थ कचार हिल्स और लुसा हिल्स अलग हिल स्टेट के पक्ष में नहीं है। 1960s का दौर पूर्वोत्तर भारत की राजनीतिक इतिहास के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि असम साहित्य सभा और असमिस प्रेस असमिश भाषा को राज्यिक भाषा के तौर पर असम के मैदानी इलाकों में लागू करने का प्रस्ताव रखती है। इस प्रस्ताव से असम के हिल्स और प्लेन्स में भी जातियों के बीच बहस गर्म हो जाती है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जून 1960 में पॉलिटिकल पार्टीज के नेता ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस में जमा होते हैं, जिसमें वे इसका विरोध करते हैं। विरोध के बावजूद 18 अक्टूबर 1960 में असम असेंबली असम ऑफिशियल लैंग्वेज बिल को पास कर देती है। जेबी हगजार के चेयरमैनशिप में असम से अलग होने की बात वे रखते हैं। 24 नवंबर 1960 में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस के नेता प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू एक स्कीम जिसको स्कॉटिश प्लान कहा जाता है ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस के सामने रखते हैं। स्कॉटिश प्लान को ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस नामंजूर कर देती है। 1962 चाइनीज अटैक के कारण से APHLC अपना विरोध अभियान रोक देती है, पर जंग के बाद 10 जून 1963 में APHLC के नेता दोबारा प्रधानमंत्री से मिलते हैं। काफ़ी बातचीतों के बाद नेहरू प्लान सामने आता है, जिसमें नए तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्लान के अंतर्गत असम के फ्रेमवर्क के अंदर ही अधिक से अधिक स्वायत्त देने की पेशकश की जाती है। 17 अप्रैल 1964 में APHLC नेहरू प्लान को सहमति दे देती है। वे एक कमीशन बनाने का आग्रह भी करते हैं। कमीशन का गठन होता है
इस कमीशन को पटास्कर कमीशन भी बोला जाता है। कमीशन ये राय रखती है कि राजनीतिक पार्टियां और स्थानीय संस्थाएं मानती है हिल्स एरियाज जिसमें गारो हिल्स, द यूनाइटेड खासी एंड जयंतिया हिल्स, मिजो हिल्स, यूनाइटेड मिकिर एंड नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, इनका मेन प्रॉब्लम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। कमीशन इस बात पर जोर डालती है कि ब्रिटिश रूल में अलगाववादी प्रवृत्तियां जो इन हिल एरियाज में शुरू हुई थी लगातार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में और बिगाड़ दिया है। पटास्कर कमीशन के रिकमेंडेशन APHLC के नेताओं को सहमत नहीं कर पाती है। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी सेपरेट स्टेट के इशू को सीरियसली लेती है। 27 दिसंबर 1966 में इंदिरा गांधी शिलोंग का दौरा करती है, असम चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं। APHLC इंदिरा गांधी को मेमोरेंडम जमा करते हैं। 17 जनवरी 1967 में दिल्ली में बैठक होती है। असम के चीफ मिनिस्टर के सम्मुख भारत सरकार असम राज्य को रीऑर्गेनाइज करने की बात रखती है। APHLC इस प्लान के सहमत में होती है, पर असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी इस प्लान का कड़ा विरोध करती है। असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी इस प्लान को थ्रेट टू द यूनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ असम के तौर पर लेती है। असमीज प्रेस इस प्लान के विरोध में होती है। जुलाई 1967 में एक कमेटी गठन किया जाता है जिसमें प्लेन्स के पॉलिटिकल पार्टीज और APHLC के मेंबर शामिल होते हैं। इस कमेटी को मेहता कमेटी कहा जाता है। मेहता कमेटी असम की एकता और अखंडता के पक्ष में थी। APHLC इस प्लान को हिल्स जातियों के बीच एकता को तोड़ने का साजिश बताकर विरोध करती है। असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी मेहता कमेटी का समर्थन करती है। नॉर्थ कचार हिल्स और मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी मेहता कमेटी के समर्थन में होती है। सहमति नहीं बन पाने के कारण से पूरा इश्यू गतिरोध में आ जाता है। APHLC जब तक उनके मांगों को ना माना जाए सत्याग्रह करने की चेतावनी देते हैं। आखिर भारत सरकार APHLC के मांगों पर सहमत होती है। 11 सितंबर 1968 में असम राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन करने का फैसला लिया जाता है। गारो हिल्स के साथ साथ खासी एंड जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट को शामिल करके नया राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है। मिकिर हिल्स और नॉर्थ कचार हिल्स के पास ये ऑप्शन दिया जाता है कि वे नए राज्य के साथ जुड़ सकते हैं। APHLC 26 जनवरी 1969 में नया राज्य बनाने पर सहमति दे देती है। APHLC मिकिर हिल्स और नॉर्थ कचार हिल्स की काउंसिल्स को अपील करती है कि वे भी नए राज्य में सम्मिलित हो जाएं। इस महत्वपूर्ण समय में दिमासा जाति के नेताओं का रोल अहम होता है। असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय बिल संसद से मंजूरी मिल जाती है। यहाँ पर पटास्कर कमीशन के सामने दिमासा जाति के नेताओं द्वारा दिए गए तर्कों को समझना आवश्यक है। उनके अनुसार अन्य पहाड़ी जातियों के विपरीत मिकिर और दिमासा हिंदू समर्थक हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं। इसके अलावा मिकिर और दिमासा जातियों का दृष्टिकोण राष्ट्रवादी और कांग्रेसी विचारधारा है। जिले में से कांग्रेस विधायक चुनके आते रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस में कांग्रेस को वोट मिलता आया है। रिलीजन, कल्चर, कस्टम और लैंग्वेज के आधार पर वे हमेशा से ही हिल स्टेट या किसी हिल यूनिट के पक्ष में नहीं थे। गारोज और खासी जाति मैट्रियार्कल है, वहीं मिकिर और दिमासा जाति पेट्रियार्कल है। उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में क्रिश्चियन हैं और बहुत अधिक उस संस्कृति से प्रभावित हैं जो ईसाई अपने साथ लाए थे। 1970 में एक ऐतिहासिक घटना होती है। यूनाइटेड मिकिर एंड नॉर्थ कचार हिल्स को दो जिलों में डिवाइड कर दिया जाता है। नॉर्थ कचार हिल्स सब डिवीजन एक फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बनता है। इंडिपेंडेंट इंडिया में 1970 तक दिमासा इंटेलिजेंसिया अपने लोगों के लिए बेहतरीन रोल प्ले करने में सक्षम होती है। दिमासा नेता जेबी हक्जार असम के पॉलिटिक्स में मुख्य भूमिका में रहते हैं। असम कैबिनेट में कई पोर्टफोलियोज में थे। हमदोन मोहन हाफलोंगबार का सपना दिमासा जाति को 6th शेड्यूल मिलने से पूरा हो जाता है। 1970 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहां दिमासा जाति मेघालय राज्य के गठन में योगदान करती है पर अंत में मेघालय राज्य में सम्मिलित नहीं होती है। इसी पशुपेश में 1972 में
दिमासा जाति की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए दिमासा जलाउरानी होसम संगठन खड़ी हो जाती है। ये संगठन दिमापुर और मायबोंग स्थित कचारी राज्य के बचे अवशेषों को संरक्षित कराए जाने की डिमांड रखती है। असमीज लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए जाने का इश्यू दिमासा जाति को फिर से ऑटोनॉमी के लिए प्रेरित करती है। 1973 में मिकिर और नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नेता जनवरी और फरवरी के महीने में एक बैठक बुलाते हैं और असमीज लैंग्वेज को लागू करने का विरोध करते हैं। 9 जुलाई 1973 को एक्शन कमेटी ऑफ द मिकिर एंड नॉर्थ कचार हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस के नेता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलते हैं और मिकिर हिल्स, नॉर्थ कचार हिल्स और असम के कचार, नौगांव और शिवसागर जिले के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक सेपरेट स्टेट बनाने की मांग रखते हैं, पर उनकी मांगों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। 1974 में सिलचर में दिमासा संस्कृति परिषद का गठन किया जाता है। इस परिषद का प्रमुख उद्देश्य था कचारी साम्राज्य के आर्कियोलॉजिकल साइट्स का संरक्षण करना। 1975 में दीफू में कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट दिमासा एसोसिएशन का गठन होता है। ये एसोसिएशन भी कचारी संस्कृति के रखरखाव की मांग रखती है। कचार जिले में निखिल हायरोम्बा बर्मन समिति स्थापित किया जाता है। उनका विश्वास दिमासा क्षेत्रों के एकीकरण पर होता है। 1982 में सेंट्रल कमेटी ऑफ द कार्बी अंगलोंग एंड नॉर्थ कचार हिल स्टेट डिमांड कमेटी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, जिसमें वे अलग राज्य बनाने की मांग रखते हैं, पर इस बार असम मूवमेंट और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मुद्दा उनके सामने होता है। असम मूवमेंट, जिसको असम एजिटेशन भी बोला जाता है, राज्य के दो हिल डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को भयभीत कर देती है। असम मूवमेंट के कारण 1980 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं होता है और 1981 का सेंसस भी नहीं हो पाता है। 13 दिसंबर 1985 में राजीव गांधी हाफलोंग का दौरा करते हैं। नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम सबमिट करती है। दो कारणों से ये मेमोरेंडम महत्वपूर्ण है। पहला, नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिर्फ नॉर्थ कचार हिल्स के लोगों की बात करती है, वहीं कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोनों जिलों में रह रहे लोगों की बात करती है। दूसरा, नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल संविधान के आर्टिकल 244A के अंदर ऑटोनॉमस स्टेट की बात करती है, वहीं कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलग राज्य की बात करती है। असम सरकार किसी भी जाति द्वारा असम से अलग राज्य बनाने की मांग पर समर्थन इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि अगर वो किसी भी मांग पर मंजूरी दे देते हैं फिर अनेकों जातियों की मांग उठ खड़ी होगी। Probably you know that more than 9 plain tribes settled here. Because therefore, if you something you want to give, then you must ready to give it to the Rabha, Missing, Karbi, Dimasa, Deuri, Tiwa, for these tribes also. Therefore, separate state for further division of Assam is not possible. केंद्रीय सरकार, असम सरकार और संगठनों के बीच लगातार हो रही बातचीत के बाद आखिर 1 अप्रैल 1995 में एसबी चव्हाण गृह मंत्री, हितेश्वर सैकिया असम मुख्यमंत्री और दिमासा और कर्बी जातियों के संगठन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ कार्बी अंगलोंग एंड नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नाम बदलकर कार्बी अंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल और नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल कर दिया जाता है। दोनों काउंसिल्स को वैधानिक शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर देने के लिए 6th शेड्यूल के पैरा 3(1) को संशोधन किया जाएगा। संशोधन किए जाने से दोनों काउंसिल्स के पास कई विषयों पर वैधानिक शक्तियां हो जाएगी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार 6th शेड्यूल के पैरा 14(2) को भी संशोधन किया जाएगा। ऐसे ही अन्य कई संवैधानिक संशोधन करने की बात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में होती है। 1997 में असम सरकार 30 विभागों को कार्बी अंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल के साथ साथ नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल को सौंप देती है। इसके साथ ही दिमासा जाति और कर्बी जाति का ऑटोनॉमस स्टेट अंडर आर्टिकल 244A की मांग पूरी हो जाती है, पर कई संगठन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के विरोध में थे। यहां तक के सफर में दिमासा और कर्बी जातियों के संगठनों में कई कमियां रही। अपनी मांगों को लेकर चलाया गया आंदोलन सैद्धांतिक ढांचे में कमजोर था। इस आंदोलन के कुछ गुट अलग राज्य की मांग आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत कर रहे थे, वहीं ऐसे भी कुछ गुट थे जो आर्टिकल 244A के अंतर्गत ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे। इस सफर के दौरान दिमासा जाति व कर्बी जाति के बीच
भावनात्मक एकता के बदले एक दूरी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दिमासा जाति के बीच दो गुट दिखाई देता है, एक जो संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे सरकारों के सामने रख रही थी और दूसरा एक अलग राज्य दिमाराजी की बात कर रही थी। दिमासा बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाने की बात 1980 में निखिल हायरोम्बा बर्मन समिति द्वारा की गई थी, पर समय के साथ एकीकरण पर जोर दिया जाता है। एकीकरण के पक्ष में 1986 में दिमासा स्टूडेंट्स फेडरेशन का गठन होता है। दिमासा स्टूडेंट्स फेडरेशन का नाम 1991 में ऑल दिमासा स्टूडेंट्स यूनियन ADSU बनता है। दिमाराजी की मांग को और ताकत देने के लिए 1994 में दिमाराजी रिवाइवल डिमांड कमिटी DRDC का गठन होता है। DRDC अपनी मांगों की पूर्ति के लिए पार्लियामेंट्री और एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री तरीकों की बात करती है। एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री स्ट्रगल से उनका मतलब होता है प्रोसेशन, धरना, रैली इत्यादि। 1996 में ADSU और DRDC मिलकर प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम जमा करते हैं जिसमें वे दिमाराजी स्टेट बनाने की डिमांड रखते हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ADSU और DRDC धरना गुवाहाटी और दिल्ली में करते हैं। कुछ युवक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर विश्वास खो देते हैं। ये गुट दिमासा नेशनल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करते हैं। जल्द ही ये संगठन डिफंक्ट हो जाता है। वे मेंबर्स जो सरकार के सामने सरेंडर नहीं करते हैं, वे दिमा हलम दावगा स्थापित करते हैं। हथियारों के दम पर ये अपना गतिविधियां चलाते हैं। दिमाराजी का डिमांड मोटे तौर पर इस तथ्य पर रखा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने दिमासा राजा से साम्राज्य लिया था, इसलिए दिमाराजी उन क्षेत्रों को लेकर बनाया जाए। 2003 में DHD सरकार के साथ सीजफायर एग्रीमेंट करती है। दिमाराजी का डिमांड को धक्का तब पड़ता है जब NACNIM द्वारा नागालैंड का डिमांड और कर्बी जाति की हेम्प्रेक कांटिंग डिमांड कर्बी एंगलोंग, नॉर्थ कचार हिल्स और नगाव जिला को लेकर होती है। इसके साथ ही असम के हिल्स क्षेत्र के ऊपर दावेदारी के ऊपर दावेदारी चलना शुरू हो जाता है। जातियां एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। 2003 में मार जाति व दिमासा जाति के बीच क्लैश होता है। इन दोनों जातियों के बीच हुई क्लैश 100 लोगों की जान ले लेता है, साथ साथ 1000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं। मार दिमासा क्लैश तब शुरू हो जाता है जब DHD के 3 आर्म कैडर्स को NACNIM और मार पीपल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक मिलकर किडनैप करते हैं। DHD आर्म ग्रुप को अपने शुरुआती दिनों में NACNIM का हथियारों और लॉजिस्टिक से सपोर्ट मिला था। मार दिमासा जातियों के बीच हुई क्लैश के बाद कर्बी और दिमासा जातियों के बीच 2005 में क्लैश होता है, जिसमें 80 लोग अपना जान खो देते हैं। 1020 घर इस क्लैश की भेंट चढ़ जाते हैं और तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जहां पूर्वोत्तर भारत में रहती जातियां एक दूसरे के सामने आई हो। समय का चक्र घूमता है। 2021 दिमासा जाति के लिए कई खुशखबरियां लेकर आता है। पहला, दिमासा जाति की परंपरागत शराब को GI टैग प्रदान किया जाता है। दूसरा, विस्टाडोम स्पेशल ट्रेन जो गुवाहाटी से न्यू हाफलोंग तक चलती है, दिमासा जाति के साथ साथ नॉर्थ कचार हिल्स यानी आज के दिमासा क्षेत्र को निश्चित तौर पर अलग पहचान देने में सक्षम होगी। यह था दिमासा जाति का 200 साल का सफर। दिमासा जाति को लेकर कुछ बातें हैं जो हमारे समझ के परे है। पहला है, दिमासा जाति द्वारा की जा रही अलग दिमाराजी स्टेट की डिमांड में थियोरेटिकल फ्लो है। दिमाराजी के समर्थक कहीं ना कहीं अब्राहमिक यूरोपियन चश्मे से राजाओं के साम्राज्य को देख रहे हैं। अपनी जाति का राजा होना ये अलग बात है, फिर राजा द्वारा साम्राज्य चलाना ये एकदम अलग बात है। दिमाराजी के पैरोकार कहीं ना कहीं असमर्थ हैं ये समझाने में कि कचारी पहचान क्या है। दिमाराजी के थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में दिमासा जाति और हिडिंबा साम्राज्य के बीच कुछ लिंक्स मिसिंग हैं।
दिमासा जाति और हिडिंबा साम्राज्य ये दो अलग अलग चीजें हैं। पर डिमाराजी के समर्थकों के अनुसार दिमासा जाति इज इक्वल टू हिडिंबा साम्राज्य है। ये इक्वेशन हमारे समझ के परे है। यथास्थिति ऐसी है, सरकारें काम तब करती है जब आपके पास वोट या नोट हो। इन मापदंडों में दिमासा जाति कहीं खड़ी उतरती नहीं है। और एक तथ्य जो हमारे समझ के परे है वो है, दिमासा लिटरेचर लिखती है कि दिमासा राजा हिंदुइज्म में 1790 में कन्वर्ट हुए थे। दिमासा जाति को कौन सी लिपि अपनानी चाहिए यह चर्चा गर्म है। पूर्वोत्तर भारत में लिपियों की अपनी पॉलिटिक्स है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ये था दिमासा जाति पर हमारा दूसरा वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमने 200 साल के अंतराल में दिमासा जाति को समझने की कोशिश की है। बहुत सारे टॉपिक्स और इवेंट्स इस कोशिश में हमने ऐड नहीं किया है। हमारा उद्देश्य यही था कि हम दिमासा जाति को समझ सकें, उनके इतिहास को समझ सकें, जिससे कि हम पूर्वोत्तर भारत को समझ सकें। इस कोशिश में हमने सिर्फ एक ओवरव्यू देने का प्रयत्न किया है।